हाँ अब एक बार आप लोग सब लोग मेरे को जान रहे हैं, मेरे नाम मुझसे परिचित हैं सब लोग, सारे लोग जी, सारे लोग परिचित हैं, जो भी हैं बता दीजिए मेरे को। चंद्रकांत मेरा नाम हुआ, ठीक है ना। मैं आप लोगों का मास्टर फ्रेंचाइजी हूँ हिटैची का, ठीक है, और पटना बेस्ड हूँ, ठीक है। पटना में ये जो भी है जो पुराने लोग हैं वो तो मेरे को जान ही रहे हैं। सुरेश जी आप मेरे को पहचान रहे हैं? सुरेश जी, सुरेश जी आप मेरे को जानते हैं, नमस्कार। आप अपना परिचय बता दें, आपका नाम क्या हुआ, आपका नाम क्या हुआ, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, हाँ नाम क्या हुआ आपका, हाँ आपका जी सुरजीत सिंह। अच्छा सुरजीत जी आप ही हैं, चलिए बढ़िया बढ़िया। चलिए मैं भी, देखिए होता क्या है ना कि जब हम लोग, मैं क्यों करता हूँ ये मीटिंग ना, कि मान लीजिए हम लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ऐसा ना हो कि कभी हम लोग एक जगह कहीं टकरा जाए तो पता नहीं चल पाए ना। मैं आपको देखूं तो पता नहीं चले मेरे भाई सुरजीत जी कौन है, श्रीनिवास जी कौन है, अनिल जी कौन है ना। तो हम लोग को एक दूसरे को जानना जरूरी है, ठीक है, और आप जब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा माध्यम मानता हूँ, जहां मैं एक साथ सारे लोगों से 40-50 लोगों से एक साथ सकता हूं, बात कर सकता हूं, इंटरेक्ट कर सकता हूं, और वन टू वन डिस्कशन हो सकता है। क्या सुरजीत जी, अभी सर मैं आया हूँ स्टेट बैंक में। अच्छा जी जी, तो उन्होंने ये कहा है, अभी सर मैं यहाँ स्टेट बैंक में। सर वो अभी अकाउंट के लिए मैं आया था तो कह रहे हैं कि दो चीज है, पहले तो हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी सुरजी जी वो डॉक्यूमेंट नहीं, अब कोई अकाउंट नहीं खोलना है हम लोगों को, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है। पहले मैं आप लोगों सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ, कल के सर्कुलर के बाद, ठीक है, कल के सर्कुलर के बाद एक बार हम लोग फिर से सर्कुलर देख लें, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। कल के सर्कुलर के बाद हम लोग को कोई भी नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये आप सब लोगों को देख पा रहे हैं, ये लोग सब लोग देख पा रहे हैं ये जी। और ये आपको समझ लीजिए, ये मतलब एक तरह से आदेश है। जब कोई गजट निकलता है ना, तो गजट एक तरह से आदेश होता है हर एक के लिए, चाहे वो आपके लिए या मेरे लिए या बैंक के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी बैंक डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये गजट किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, ठीक है। इसका डेटेड कब है पब्लिश बाय, हम किसी में जा सकते हैं, किसी 18 सितंबर का डेट में, ये परसों के डेट में ये गजट निकला है, ठीक है। दीजिए सारे लोग ध्यान दीजिए, ये डेट, ये आपका कल परसों के डेट का है, 18 तारीख को ये गजट निकला है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा इशू किया गया है, जो कि केवल स्पेशली WL ATMs के लिए है। ये नोटिफिकेशन जो है ना, अच्छा आप लोगों को पता है ये किसके तहत, जो हम लोग का TDS का पैसा कट रहा है, क्या करना था, आप लोगों को इस चीज की जानकारी है, केस फिगर 194N, ठीक है, वो स्पेशल क्लॉज है जिसके तहत ये इनकम टैक्स का पैसा कट रहा है, ठीक है, 194N। अच्छा सब क्लॉज है 194N के तहत में, सब क्लॉज है, उस सब क्लॉज में 5 एंटिटी को एक्सेप्ट किया गया है विद दिस 2% TDS, 2% के TDS से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा उसमें से 5 व्हाइट लेबल ATM है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, बैंक्स हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का जो काम करते हैं पैसे निकालते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया था, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सबका चाइल्ड अकाउंट खोल रहे थे आप लोगों का, जैसे आप लोगों को SBI का मिला था, कुछ लोगों ने को ICICI बैंक का था, तो इन दोनों बात काम चल रहा था, बाकी बैंक्स का हम लोगों को अभी टाई अप करना था, समझ गए। तो आप लोगों को, सब लोगों को पहले एक तरह से कंपनी की तरफ से तो मैसेज भी आया होगा, सबको मैसेज मिला है कल, कंपनी की तरफ से सबको मैसेज मिला होगा, मैं समझता हूँ कि जो हमारे टैक्स के पार्टनर्स हैं सारों के पास ये मैसेज आया होगा, ठीक है। अच्छा मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई भी कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इसका ये सर्कुलर है। सुरजीत जी आपको ये सर्कुलर की कॉपी लेके जाना है बैंक में, फाइलों का राइट साइड की फोटो कॉपी लेकर आइए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 5 ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194N, मतलब जो पैसा 2% का TDS कट रहा है उसके तहत, ठीक है।
1961-43 जो भी अपना ये है सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से के साथ में कौन सा प्राइस कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी सीआरए एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ, आप लोग क्या हैं? फ्रेंचाइजी एजेंट हैं आप सब लोग, क्या हैं? फ्रेंचाइजी एजेंट हैं। पहले क्या किया था गवर्नमेंट ने, केवल व्हाइट लेबल एटीएम पार्टनर्स को किया था, लेकिन अभी कल के ये नोटिफिकेशन में इसको हाईलाइट किया गया है कि जो भी सीआरए मतलब कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी जो होती है, जो कैश डालती है, जैसे सीएमएस हो गया, अलग अलग एजेंसीज है जो कैश जाके डालती है, ठीक है, उनको, और प्लस जो फ्रेंचाइजी एजेंट जो व्हाइट लेवल एटीएम चला रहा है, ठीक है, व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स मेंटेनिंग सेपरेट बैंक अकाउंट आप लोग ध्यान दीजिए, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो भी लोग आप लोग एटीएम चला रहे हैं व्हाइट लेवल एटीएम, आप अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस बैंक का बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको मंथली बेसिस पे हिटैची को सर्टिफाई करके आरबीआई को देना है सर्टिफिकेट, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप लोग सबसे पहले क्या होता था कि आप सपोज अगर सीएसपी का अकाउंट है तो उसी में आपके पैसे आ रहे हैं, है ना, मान लीजिए आप लोग एसबीआई का सीएसपी चला रहे हैं, उसी में आपने पैसे मंगा लिए, अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको आपका जो, जैसे सपोज आपने आज मान लीजिए आपने अपने एटीएम से मान लीजिए अपने बैंक से निकाले 4 लाख रुपए, ठीक है, तो अब 4 लाख रुपए निकाला तो हो सकता है उसमें से 2 लाख रुपए आपका आपने अपने खर्चा कर दिया सीएसपी में, लोगों को पैसे बांटने के लिए खर्चा किए और उसमें से 2 लाख रुपए एटीएम में लोड किया, तो जब आपका एंड ऑफ द मंथ में जो आप लेजर देंगे तो उस लेजर में आपका हिसाब मिसमैच होगा, क्योंकि पैसे बैंक से कुछ और निकाले और एटीएम में जो कैश लोड हुआ वो कुछ और है, तो वैसी परिस्थिति में आरबीआई ने पेनल्टी का प्रोविजन किया है, ऐसी परिस्थिति में अगर आपका अगर मिसमैच होता है ट्रांजेक्शन अमाउंट तो उस कंडीशन में आपके ऊपर मतलब पेनल्टी का क्लॉज है, ठीक है, अब क्यों है इसको मैं थोड़ा सा और आपको ये कर लेता हूँ, हाईलाइट करके बता देता हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये अब पहले तो क्या था कि वो हम लोग हिटैची बोल रही थी ये चीज, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मेंटेनिंग ए सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच, ठीक है, विड्रॉवल इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेनिशिंग कैश इन द एटीएम्स, ये इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, जी सर, सर अभी सर हम अपने एटीएम में 3 लाख रुपए डाल के भी चला रहे हैं सर, और आगे चल के यदि उसको उसका लिमिट बढ़ाना होगा फिर उसके लिए क्या करेंगे सर? मैं सारा आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ जिससे कि आप लोग जो मैं दिखा रहा हूँ वो देख पाए, है ना, ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? अभी क्लियर दिख रहा है सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी हमारे WLA पार्टनर्स हैं वो लोग एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, जिससे कि जो विड्रॉवल वो लोग कर रहे हैं वो विड्रॉवल केवल एटीएम में पैसे लोड करने के लिए यूज किया जाएगा, दूसरे मद में यूज नहीं किया जाएगा। मेंटेनिंग सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच withdrawal is made only for the purpose of replenishing cash in ATM by such WLA ATM operators, है ना? अच्छा, अब क्या? अच्छा, इसके अलावा क्या करना है? ये देखिए, have furnished a certificate every month to bank. ये देखिए, चूंकि हर महीने बैंक को सर्टिफिकेट देना है कि इन्होंने जो पैसे निकाले वो केवल एटीएम में लोड करने के लिए यूज किया, यहाँ पे अब जो हम WLA ATM जो मान लीजिए हिटैची जो है WLA पार्टनर जो है ये है ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, उसको बैंक आरबीआई को एक सर्टिफिकेट देना है कि मैंने अपने जो फ्रेंचाइजी है उनका अकाउंट को वेरीफाई किया है और जो पैसा उन्होंने निकाला वो सारा पैसा उन्होंने एटीएम में लोड किया,
उसका सर्टिफिकेशन देना है हर महीने। समझ में आ गया? पहले क्या था, आप लोग पैसे निकालते थे, पैसे निकाले, मान लिया 4 लाख रुपए निकाला, 2 लाख रुपए लोड किया, बाकी और काम कर लिया। अब ये नहीं होगा। जिस बैंक अकाउंट से आप हिटैची का पैसे लोड कर रहे हैं, उससे पैसे जब निकालेंगे तो वो पैसा केवल एटीएम में लोड होगा। अच्छा, पहले क्या होता था, आपका हिटैची अकाउंट से आप दूसरे के अकाउंट, आपको मान लीजिए बैंक पैसे नहीं दे रही है तो आपने दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए, वहां से कैश निकाल लिया। करते थे आप लोग पहले? कर रहे थे आप लोग ये पहले? आप लोग इस तरह से कर रहे थे ना सुभाष जी? जी। तो उससे अच्छा, अब क्या होगा, आपने अपने अकाउंट से कैश दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, ठीक है, और उससे जब पैसे निकाले तो जो एटीएम में कैश लोड हुआ 4 लाख रुपया, तो वो तो हमारे आपके बैंक स्टेटमेंट में विड्रॉल में शो नहीं करेगा। वो पैसा आपने दूसरे बैंक से निकाला तो वो विड्रॉवल आपको, आपका जो अकाउंट आपने मेंशन किया है एटीएम का, वो उसमें शो नहीं करेगा, तो वहां पे मिसमैच आ जाएगा, ठीक है। तो जो मिसमैच आएगा उस कंडीशन में आपके साथ, मतलब वहां पे पेनल्टी आ जाती है, और उसके अलावा फिर उसमें टीडीएस पूरा का पूरे अमाउंट पे टीडीएस आ जाएगा। अगर आपने कहीं पे भी वैसा मिसमैच आया जहां पे आपका विड्रॉवल का फिगर और एटीएम में कैश लोडिंग का फिगर दोनों डिफरेंट आता है, ठीक है, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आपने जो पैसे निकाले और जो पैसे एटीएम में लोड हुए उन दोनों में मिसमैच आ रहा है, तो आपको एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे आरबीआई को सर्टिफिकेशन देना है। तो यहाँ पे देखिए, आपने इनफैक्ट आपको मेल भी मिला होगा, ठीक है, ये मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्टिफाइंग दैट द बैंक अकाउंट ऑफ सीआरएस एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ डब्ल्यूएलए एटीएम ऑपरेटर्स हैव बीन एग्जामिन्ड एंड अमाउंट बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक्स हैव बीन रिकंसाइल्ड विद द अमाउंट ऑफ द कैश डिपॉजिट इन एटीएम। ये गजट का पार्ट हो गया। पहले ये बात आपको कौन कह रही थी? हिटैची कह रही थी। अब ये चंद्रदेव जी मीटिंग ज्वाइन कीजिए, बात है। ये आपको पहले ये बात आपको हिटैची कह रही थी, ठीक है, आपको जब चाइल्ड अकाउंट खोलने के लिए हम लोग बोल रहे थे तो ये बात आपको हिटैची कह रही थी कि आप जिस अकाउंट से पैसे निकालेंगे चाइल्ड अकाउंट से, वो सारे पैसे आप उठा के एटीएम में डालेंगे और उन दोनों के बीच में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये गजट आ गया जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कहा गया है, आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि आपको हिटैची को, जो भी डब्ल्यू, चाहे वो हिटैची हो, चाहे वो बीटीआई वन हो, चाहे वो वक्रंगी हो, चाहे जो भी वाइट लेवल एटीएम पार्टनर्स हैं, उनको अपने फ्रेंचाइजी का अकाउंट को ये करना होगा सर्टिफाइंग, है ना, उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा आरबीआई को। क्या? दे हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट एवरी मंथ टू टू मतलब बैंक, मतलब आरबीआई, सर्टिफाइंग दैट बैंक अकाउंट ऑफ सीआरएस एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ डब्ल्यूएलए एटीएम ऑपरेटर्स हैव बीन एग्जामिन्ड। मतलब आप अपना सर्टिफिकेट हर, आप अपना बैंक स्टेटमेंट हर महीने हिटैची को देंगे, हिटैची उसको एग्जामिन करेगी, आपका जो विड्रॉवल हुआ है और जो एटीएम में कैश लोड है वो दोनों मैच कर रहा है। अगर जहां पे मिसमैच होगा तो वहां पे आप, मतलब चूंकि ये अब ये मान के चलिए ये हिटैची का पार्ट नहीं रह गया, अब ये आरबीआई ने गजट के माध्यम से ये आप लोगों को आदेश दिया है, ठीक है ना। अच्छा, द नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2019। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि आप पहले जो हम लोगों को था ना, कि कई लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग ओरिएंटल बैंक में काम कर रहे हैं, हम लोग यूको बैंक में काम कर रहे हैं, तो अब उस कंडीशन में तो जो कंपनी 15 बैंक का अकाउंट खोल रही थी उसमें आपका बैंक नहीं आ रहा था, तो कई लोगों को दिक्कत महसूस हो रही थी, तो अब आप लोग उस झंझट से बच गए। अब आप लोग उस झंझट से बच गए कि आप उसी बैंक में अकाउंट खोले, ठीक है। हाँ सुनील जी, मैं अजीत जी से एक बार मांग लीजिए ना, अजीत जी के पास, नहीं तो मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान में दीजिए, इससे फायदा क्या होगा, आप अपने सुविधा के अनुसार अपना बैंक चूज कर सकते हैं जहां से आपको कैश सुविधा पूर्वक सुविधाजनक तरीके से मिल जाए, ठीक है, इसका बेनिफिट ये हो गया। अच्छा, पहले क्या था, हिटैची आपको मान लीजिए कह रहा था कि भैया चलो आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोलो, एसबीआई में अकाउंट खोलिए, जैसे सूरजी जी आपको प्रॉब्लम हुई, बैंक वालों को पता ही नहीं है। आश्चर्य की बात है
कि हमारे जितने भी बैंक इंप्लॉइज हैं बोलना नहीं चाहिए, बट ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, उनको किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं सुभाष जी? गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को ऑब्जेक्ट कीजिए। आप उनके पास कोई चीज कोई डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए, वो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है। किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए, उनको उनका सिंपल जवाब होता है, अच्छा आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है जहां जाना है चले जाओ यार। आप किसी और, खासकर SBI में तो ये प्रॉब्लम बहुत। आज हमारे सूरजी जी, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? हेलो, अच्छा कौन कौन, कितने सारे लोग आप लोग गए थे SBI, अप्रोच किया था आपने अकाउंट खोलने के लिए? कौन किस, क्या आपको रिस्पॉन्स क्या मिला SBI से? उन्होंने कागज देखने से मनाही कर दी है, डॉक्यूमेंट देखने से। सोचिए क्या एरोगेंसी है, कितना एरोगेंट है ये लोग कि मतलब जहां पे SBI का लेटर हेड पे दिया हुआ है, उनके HO ने दिया हुआ है लिख के, SBI के लेटर हेड पे दिया गया है कि आप ये कस्टमर का अकाउंट खोलिए, और कोई भी, मैंने मेरे को काफी मेरे अरे कुछ लोगों का डाला नहीं है कि बैंक वाला देने के लिए तैयार नहीं है, लेटर देने के लिए तैयार नहीं है। अकाउंट खोलना तो दूर की बात रही, आप समझिए क्या स्थिति है। अगर ये आदेश नहीं आता तो हम लोग को बहुत परेशानी होती। ये आदेश आ जाने के बाद, मतलब ये गजट आ जाने के बाद हम लोग को बहुत ज्यादा कल रिलैक्सेशन हुआ है। कल इसी कारण आपको देखिए, कल हिटैची ने चार चार बार पांच पांच बार आपको मैसेज डाला सब लोगों को, क्योंकि हिटैची का मैं बाकी किसी कंपनी के अंदर इतना सीरियसनेस नहीं देख रहा था जितना मैंने हिटैची को सीरियस देखा है इस पूरे अफेयर में। यहाँ पे हिटैची आप लोगों को लगातार फोन कर करके बैंक जाइए अकाउंट खोलिए, अगर बैंक मैनेजर नहीं सुनता है तो मेरे से बात कराइए, क्या गलत बोल रहा हूं मैं? आप लोगों को फोन आ रहे थे ना, हिटैची के पास से फोन आ रहा था कि नहीं आ रहा था आपको? जी फोन आ रहे थे ना आपके पास, मतलब। और लेकिन सबसे बड़ी, अच्छा दुख, सबसे बड़ी दुखद स्थिति क्या थी कि हिटैची के लाभ प्रयास करने के बावजूद भी हमारा फ्रेंचाइजी अकाउंट नहीं खुला, ठीक है। और आप लोग तो किसी तरह से अपना अकाउंट चला रहे थे, लेकिन जो हमारे बड़े पार्टनर्स थे जिनके ट्रांजेक्शन मान लीजिए 10 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए हैं, 15-15 लाख रुपए हैं, वो लोग पैसे क्या करते हो, कहां से मैनेज करते हैं? ATM पिछले 20 दिन से बंद करके रखना पड़ा, उनके ATM पिछले 15-20 दिन से बंद थे, ठीक है। ये अधिसूचना आ जाने, ये गैजेट आ जाने के बाद, ये नोटिफिकेशन आ जाने के बाद, अब आपको कुछ नहीं करना है। जो एग्रीमेंट आपका हुआ है हिटैची के साथ, आप सबके पास एग्रीमेंट की कॉपी है? सर, सबके पास एग्रीमेंट की कॉपी है, आप लोग कुछ नहीं करें। अच्छा, आपको अगर कोई बैंक वाला बोलता है ना तो ये गैजेट दे के आ जाइए उनको, बस आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये कोई सर्कुलर नहीं है, कोई रिस्पेक्टिव बैंक का सर्कुलर नहीं है, ये सरकारी आदेश है, ठीक है ना। इस तरह से 194N के तहत पैसे कट रहे थे, उसी तरह से ये सरकारी आदेश दिया गया है एक तरह से, ठीक है। अब कोई भी, अब जब आपने एक बार ये बैंक में सबमिट कर दिया कि मेरा ये बैंक अकाउंट नंबर है और ये मैं WLA पार्टनर हूँ, ठीक है, जब आपने ये सरकारी आदेश वहां पे जमा कर दिया और मेरा अकाउंट आप कृपया करके ये अपने HO से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बैंक वाला बोले कि नहीं मुझे, मेरे को तो अभी भी कोई सूचना नहीं मिली है। आप लोग अभी कभी कोई बैंक में गए हैं, ये सर्कुलर लेके बैंक में गए हैं कोई आदमी? आप लोग आप गए हैं, गए हैं सिम खोले लगा हां सिम खोले खोल दी भी गए हैं ये बैंक? हां मैं देख लूंगा, बैंक में गए हैं, चले जाओ शाम टाइम आ जाना। आप लोग कोई भी बैंक गए हैं? हां सुरेश जी आप गए हैं क्या? सुरेश जी कोई भी बैंक नहीं गया ना अभी तक, ये सर्कुलर लेके कोई बैंक गया? सर अभी नहीं गए, सर अभी नहीं गए, जाएंगे सर दोपहर में जाएंगे सर। हां तो आप दोपहर में जाके और मुझे उसकी सूचना दीजिएगा जी सर, वो बैंक वाले क्या कह रहे हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको अपनी एक एग्रीमेंट की कॉपी लेके जानी है साथ में, उसका स्टेट कॉपी, और साथ में ये सर्कुलर अटैच कर दीजिए, ठीक है। अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है, आपके एग्रीमेंट में आपका अकाउंट नंबर भी मेंशन किया हुआ है, आपके एग्रीमेंट में आपका अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है, जो हिटैची के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है उसमें अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है जी सर। मान लीजिए जिन्होंने अकाउंट नंबर चेंज करवाया है, इन्होंने भी अकाउंट नंबर चेंज कराया है, तो वो मुझे, मैं बता दूंगा, मैं हिटैची से उसका एक लेटर इशू कराने की कोशिश करूंगा,
हाँ जी अच्छा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ मैं अपडेट करता हूँ ठीक है तो आप लोग अभी 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 आप लोग सब लोग जाएंगे इसका भी जिस पहले बात आप लोग एक चीज डिसाइड कर लीजिए अभी अगर सपोज अगर आप जो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसमें किसी और भी बैंक का ट्रांजेक्शन होता है कोई और भी काम करते हैं उसको आप बिल्कुल तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए अगर आप अपने WLA ATM का जिसमें आपका बैंक सेटलमेंट होता है और आप उससे कोई और भी काम करते हैं चाहे वो CSP का काम कर रहे हो या कोई भी और काम कर रहे हो तो वो तत्काल प्रभाव से उसको रोक दीजिए समझ में आया कोई भी अदर ट्रांजेक्शन अपने हिटैची के बैंक अकाउंट से नहीं करेंगे जिसमें आपके हिटैची बैंक अकाउंट का सेटलमेंट आ रहा है उससे केवल आप हिटैची का जो सेटलमेंट अमाउंट आएगा वो विड्रॉवल करेंगे समझ आया आपको अच्छा दूसरी परिस्थिति में मार्केट कैश आपको ATM में लोड नहीं करना है सपोज कभी क्या होता है अभी क्या हो रहा था कि मान लीजिए सैटरडे है सैटरडे बैंक सैटरडे मान लीजिए तीन दिन बैंक बंद हो गया सैटरडे संडे है ना फ्राइडे सैटरडे संडे बंद हो गया अब आप कैसे कैश डालेंगे बताएं पहले क्या होता था आप अपने दोस्त से ले लेते थे लाख रुपए लेके डाल दिया आपने किसी पेट्रोल पंप वाले को ये किया उससे कैश उठाया लेके डाल दिया अब ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर करेंगे तो जो हिटैची का आपका ATM का कैश लोड दिखाएगा बैंक का विड्रॉवल दिखाएगा दोनों मिसमैच हो जाएगा तो सर क्या करें फिर क्या फिर क्या करें सर क्या करना पड़ेगा आपको जिस दिन बैंक बंद हो रहा है उस दिन एक दिन पहले आप सफिशियंट एनफ कैश अपने ATM से अपने बैंक से विड्रॉ कर लें और लोड करें भाई मजबूत आदमी का धंधा हो गया ये धंधा जो है मजबूत आदमी का हो गया ठीक है कैश ज्यादा करना पड़ेगा फिर तो हाँ मजबूत आदमी का धंधा हो गया मजबूत कंधे होने चाहिए अब ATM जब सर जितना मतलब जितना भी सर मेरे अकाउंट में होगा उतनी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं है हाँ सर अभी सर चार दिन निकाल रहे हैं वही पैसे डाल पाएंगे सर जो अभी सर चार दिन के लिए बैंक जो बंद हो रहे हैं तो मैंने तो पैसा लाके घर में रख लिया दूसरे अकाउंट से लाके कहाँ से अपने बैंक अकाउंट से निकाल के ना नहीं अपने अकाउंट से नहीं वो तो आता रहता है वो तो आएगा बाद में आएगा मैंने दूसरे अकाउंट से पे निकाल के रख लिया नहीं नहीं स्टॉप ऑल दीज प्रैक्टिसेस बिल्कुल रोक दीजिए तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए आप अगर डालना भी है तो उस पैसे को जाके अपने बैंक में अपने दोस्त से अपने जो पैसा लिया उसको बैंक में जाके डाल दीजिए वहां से विड्रॉ कीजिए तो सर फिर उसको वापस करना पड़ेगा बाद में किसको अगर किसी और से लेके अपने अकाउंट में डालते हैं फिर निकालते हैं तो बंदे को वापस करना पड़ेगा अकाउंट में से वापस करना पड़ेगा यस सर आप एक कैपिटल क्रिएट कीजिए आप अपना एक एवरेज कैपिटल क्रिएट करना होगा आपको कैसे सर आप से आपका एवरेज ट्रांजेक्शन के हिसाब से अच्छा इस एवरेज ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको एक कैपिटल क्रिएट करना होगा 6 लाख 7 लाख 8 लाख अगर मान लीजिए सपोज डेली का आपका 4 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपका कैपिटल 6 लाख होना चाहिए क्यों 6 लाख होना चाहिए कि ये जो 4 दिन जो 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हुआ तो वो आपको छुट्टी के दिन काम आएगा आपको आपके कैपिटल से 2 लाख रुपए सरप्लस लेके चलना होगा वो आपका एवरेज ट्रांजेक्शन है अगर सर 4 दिन में तो सर 2 लाख है सर 4 दिन में सर तो 12 लाख रुपए से 12-13 लाख रुपए जाएंगे कम से कम नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ नहीं ऐसा होता क्या है ना मैं बता रहा हूँ क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन पूरे और सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं कभी हाँ, कुछ कम ज्यादा तो जो आपका आप अपना मान सपोज आपका 7 दिन का ट्रांजेक्शन हो रहा है नहीं किसी दिन तीन किसी दिन 5 लाख हुआ किसी दिन 6 लाख हुआ किसी दिन 7 लाख हुआ 7-7 दिन के ट्रांजेक्शन को जोड़ लीजिए 7 से डिवाइड कर लीजिए भाई एवरेज आप क्या कीजिए ना मान लीजिए किसी दिन 5 लाख हुआ किसी दिन 6 लाख हुआ किसी दिन 7 लाख हुआ सारा सम टोटल डिवाइडेड बाय 7 आपको एवरेज ट्रांजेक्शन मिल जाएगा उतना पैसा आपको बैंक में मेंटेन करके रखना होगा मतलब होना मेरे अकाउंट में चाहिए मतलब बिल्कुल अगर सर जैसे मेरे में सर जैसे मान लीजिए सर 8 लाख रुपए है मेरे अकाउंट में और जरूरत सर कहते हैं 12 लाख की है
क्योंकि चार दिन एटीएम बंद रहेगा, तो सर फिर अपने दूसरे अकाउंट से या किसी दोस्त के लेके डाला तो बाद में वापस करना पड़ेगा? दोस्त से अगर आपको दोस्त से पैसे ले भी रहे हैं तो आप अपने बैंक में ट्रांसफर लीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट से दूसरे जगह पैसे ट्रांसफर करके आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे विड्रॉवल और एटीएम लोड में कैश मिसमैच हो जाएगा। तो फिर पैसा मैंने ले लिया, फिर मुझे अपने दूसरे मेरे फिर वो पैसा छूना नहीं पड़ेगा, दूसरा फिर पैसा देना पड़ेगा? हाँ 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 हाँ, एक बार जो मतलब ये जो हिटैची का जो बैंक अकाउंट होगा वो केवल पैसे लेगा, देगा नहीं। तो सर इसका मतलब ये है कि मतलब प्रॉब्लम बढ़ रही है? मतलब प्रॉब्लम बढ़ नहीं गई है, मतलब कमजोर प्लेयर हट रहे हैं। इसके पीछे रीजनिंग भी है, इसके पीछे रीजनिंग भी है, मैं बताता हूँ इसका सरकार का क्या उद्देश्य है, ये भी मैं बताता हूँ। आप अभी अपने दोस्त से जब पैसे ले रहे थे तो आप उसमें कैसे इंश्योर कर रहे थे कि जो आप पैसे ले रहे हो उसमें कहीं किसी तरह का कोई गलत नोट नहीं है, फ्रिप्टो करेंसी नहीं है? नहीं सर, अभी तक तो मैंने लिए नहीं है किसी से कुछ। नहीं नहीं, मान लीजिए नहीं, अगर आप बाजार में कहीं किसी से पेट्रोल पंप से पैसे लेके डाल रहे हैं या किसी भी दोस्त से लेके डाल रहे हैं, तो आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो पैसे हैं उसमें कोई फेक करेंसी नहीं है? कई जगह ऐसी सूचना मिली है, इस तरह का शिकायत आया है कि जो एटीएम से फेक करेंसी मिला है लोगों को, कस्टमर्स को, ठीक है, तो जो बाजार से पैसे लेके आप डाल रहे थे तो उसमें फेक करेंसी भी चले जा रहा था एटीएम में लोड में। यस सर। लेकिन जब आप बैंक से निकाल के लाके कैश डाल रहे हैं तो उसमें आप इंश्योर होते हैं कि वो जो भी करेंसी है वो आपकी ओरिजिनल करेंसी है, वो फेक करेंसी नहीं है, काउंटरफिट नोट्स नहीं है, ठीक है आपको। अच्छा, ये जो क्या था, ये नोटिफिकेशन जब डिमोनेटाइजेशन के वक्त में सरकार ने ये स्पेशल थोड़ा सा आप लोगों को प्रिविलेज दिया था कि आप मार्केट कैश डाल सकते थे, ठीक है। जब डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, कैश क्रंच हुआ, जगह मतलब कैश नहीं मिल पा रहा था लोगों को, तो क्या सरकार को बैंक में पैसे भेजने में दिक्कत आ रही थी, उस सिनेरियो को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि लिबर्टी दे दी थी, आप बाजार का कैश एटीएम में डाल सकते थे, ठीक है। तो अब वो सर्कुलर, अब वो जो है वो सरकारी आदेश से वो वापस ले लिया गया है, अब वो सरकारी आदेश से उस डिसीजन को वापस ले लिया गया है कि जिसमें कि आप बाजार का कैश डाल रहे थे एटीएम में, अब वो सरकारी आदेश को वापस ले लिया गया है, अब आप बाजार के पैसे कैश नहीं डाल सकते हैं। यू हैव टू, आपको जो इट हैज टू बी काउंटर कंफर्म बाय द बैंक, आप बैंक से ही निकाल के। अच्छा, तो इवन आप सीआरएम जब डाल रहे हैं ना, सीआरएम यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसके यहाँ सीआरएम का अपॉर्चुनिटी आती है, वो इस चीज को मैनेज कर सकता है आसानी से। इसका एक बहुत अच्छा उपाय क्या है, सीआरएम है, कैश रिसाइकलर मशीन, क्योंकि वहां पे जो आप नोट डाल रहे हैं तो रिसाइकलर मशीन क्या करती है, वो फेक काउंटरफिट नोट्स को छांट देता है। सीआरएम क्या करती है, काउंटरफिट नोट्स को छांट लेगी, ठीक है, और वो छांट के तो उस कंडीशन में क्या है, मतलब जो पब्लिक को जो पैसे मिल रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन कैश मिलेगा, फेक करेंसी नहीं होगी, ओरिजिनल करेंसी मिलेगी, ठीक है। इस कारण सीआरएम वाला पैसा जो है वो, आप सीआरएम का आप जानते हैं कैसे सीआरएम ऑपरेट करता है? सीआरएम आप लोग जान रहे हैं कैसे ऑपरेट करता है? एक होता है सीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन, और एक होता है कैश रिसाइकलर मशीन। समझ में आ गया? कैश रिसाइकलर मशीन में क्या होता है, आप लोग सब लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो, नेट का कनेक्शन जो ये हो गया था। अभिषेक जी, आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन पूछना तो बताइए मेरे को, मैं थोड़ा सा फिर आप लोगों को ये दूंगा। सर जो मैं बोल रहा था अपने, हेलो सर, मैं बोल रहा था अपने खुद के अकाउंट में क्या ट्रांसफर करके पैसे ला सकते हैं? हाँ,
आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो विड्रॉवल आपका, क्योंकि आप अपने अकाउंट से विड्रॉ करेंगे और आप लोड करेंगे, मिसमैच नहीं होगा ना। आप जो अकाउंट हिटैची का मेंटेन कर रहे हैं उसमें कहीं दूसरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं आप। अपने दोस्त से किसी से बोल के या किसी अपने किसी थर्ड पार्टी अकाउंट से मान लीजिए कहीं से भी किसी को मदद कैश में लेते थे, अब कैश में नहीं लेके डिजिटल वे में लेंगे। अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं तो वो मदद उसके कैश में नहीं लेके डिजिटल वे में लेंगे। तुम्हें आ गया? मान लीजिए आपने किसी से अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया, किसी एटीएम से निकाल लिया पैसा, चल सकता है, नो प्रॉब्लम। तरीका समझ लीजिए, पहले तो आप क्या करते थे कि आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करके दूसरी जगह से जाके पैसे निकालते थे, वो नहीं करना है। आपने किसी से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिया और कहीं एटीएम से कैश निकाल लिया, वो चल सकता है, बिकॉज विड्रॉवल आपका, विड्रॉवल जो होगा वो आपका शो करेगा, विड्रॉवल शो करेगा और जो एटीएम लोड करेंगे वो चलेगा। तरीका मैं देखिए, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको और जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ मतलब आप सपोज मान लीजिए किसी दिन छुट्टी है, आपके पास कैश नहीं है, आपके फ्रेंड के पास कैश है, आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया और एटीएम से कहीं से विड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया? तो वो आपका विड्रॉवल शो करेगा, वो आपका जो है वो विड्रॉवल शो करेगा, तो आपका विड्रॉवल बैंक स्टेटमेंट देंगे, मंथली स्टेटमेंट जो देंगे उस मंथली स्टेटमेंट में वो विड्रॉवल शो करेगा और उसका आपके एटीएम में लोड भी शो करेगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज इम्पोर्टेंट, अब कैसे लेजर आप लोगों को मेंटेन करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी से मेंटेन नहीं करता है, सब लोग मुनीम जी का खाता मेंटेन करते हैं, समझिए आप लोग। पहली बात तो सारे लोग एक्सेल फाइल में या गूगल शीट जैसे मैंने बताया है, ठीक है, ये गूगल शीट जिसको भी चाहिए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जिसके पास है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों सारे नंबर है मेरा 9800005212, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9801005212, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप में ये कर लीजिएगा। मैं आपको क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ये इस शीट में सारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आप केवल आप अपनी एंट्री करेंगे नंबर ऑफ नोट्स की, वो ऑटोमेटिक सारा चीज कैलकुलेट कर लेगा। घंटे के बाद ठीक है, आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9801005212, ठीक है, इस नंबर पे आप मेरे को जो लोग, मैंने तो सारे लोगों को दिया हुआ है, या तो अपना मेल आईडी आप शेयर करेंगे, मैं इसमें आपको ये शीट शेयर कर दूंगा। सबसे पहला हुआ आपका सीरियल नंबर, डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम क्यों, क्योंकि अगर आप दो एंट्री करेंगे, मान लीजिए सपोज में दो बार कैश लोड कर रहे हैं, है ना, आपकी दो बार की एंट्री आपकी टाइम नहीं तो वो क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा, तो डेट एंड टाइम। ओपनिंग बैलेंस क्या करना है, इसमें आपको कोई भरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये सारा का सारा देखिए फॉर्मूला है, ये यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ये सारा फॉर्मूला डाला हुआ है, ठीक है। आपको एंट्री क्या करनी है इस शीट में केवल आपको एंट्री करनी है कि आपने 100 रुपए के कितने नोट डाले, कितना नोट डाला, 500 रुपए का कितना नोट डाला, 2000 का कितना नोट डाला, इस शीट में केवल आपको एंट्री करनी है। मान लीजिए सपोज मैं ये एक शीट में एंट्री करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने ये हटा दिया वो वहां पे अमाउंट हट गया, मैंने मान लीजिए 500 का नोट डाला, ठीक है, मैंने 500 का नोट डाला 100, ठीक है, 200 का नोट डाला 400, ठीक है, 500 का नोट डाला मान लीजिए 250, ठीक है, आप देखिए ये फिगर ऑटोमेटिक लेते जा रहा है, 2000 का नोट डाला मान लीजिए 125, ठीक है, ये देखिए टोटल आपका कितना कैश लोड हो गया एटीएम में, 5,00,000, 5,05,000, ठीक है। ये फिगर जो है वो ऑटोमेटिक आ गया, चूंकि ये फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है इसमें, ठीक है, अब इसमें टाइम आप डाल देंगे, जिस वक्त भी कैश लोड करेंगे वो डाल देंगे आप, ठीक है,
और इसको सेव कर, इसको छोड़ देंगे, अब इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब रात में जब आप एटीएम अपना बंद कर रहे हैं, ध्यान रखें सब लोग, ईओडी क्या बोलते हैं इसको, एंड ऑफ द डे, ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे, जब आप बंद करते हैं तो अपना गल्ला का पैसा मिलाते हैं ना, कोई भी दुकानदारी कर रहे हैं, किसी भी चीज का कुछ कर रहे हैं, तो अंत में आप अपना ईओडी करते हैं एंड ऑफ द डे, कि कितना दिन भर का कितना माल बिका, क्या हुआ उसका, उसका मिलान करते हैं। तो जाना है रिमेनिंग कैश, कितना रिमेनिंग कैश। अच्छा, इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, आपको केवल इसमें लिखना है, मान लीजिए मैंने 500 का नोट डाला था, इसमें मेरा मान लीजिए 75 नोट बच गया मेरे 100 वाले नोट, 75। अच्छा, 200 को नोट मेरे बच गए मान लीजिए 60, ठीक है। 500 का नोट मेरे बच गए मान लीजिए 75, मान लीजिए 2000 के नोट मेरे बच गए मान लीजिए 20, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे इस, ये आ गया 104,500, ठीक है, ये ऑटोमेटिक इसने ले लिया। अच्छा, अब ये जब फिगर आया, अच्छा अब यहाँ पे डिस्पेंस अमाउंट ऑटोमेटिक ले लिया इसने, टोटल कितना आपने डाला, कितना पैसा डाला, 5,05,000 रुपए डाला आपने, 104,000 मतलब आपके एटीएम में बचे रह गए पैसे रात के वक्त में, मान लीजिए जब आप एटीएम क्लोज कर रहे हैं तो आपने केवल नंबर ऑफ नोट्स डाल दिए, ये हिसाब ऑटोमेटिक आ गया रिमेनिंग कैश कितना है एटीएम में, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग कैश, अच्छा जब रिमेनिंग कैश आ गया तो डिस्पेंस अमाउंट कितना है ये पता चल गया आपको, ठीक है। कहीं किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा भाई, आप लोग पूछिएगा मुझसे, ठीक है। 4,00,000 मान लीजिए 4,05,000 रुपया निकला आपके एटीएम से, समझ में आया, समझ में आ गया ये आपको हिसाब। हाँ सर, कहीं किसी को कोई भी डाउट है पूछते जाइए मुझसे। जी सर, डाउट तो इतना सा है सर, पहले से जो 100, 200, 300, 100, 200, 500, 2,000 जो है ना वहाँ क्या लिखते हैं स्टार्टिंग में, वो अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ उस पे भी आ रहा हूँ। लेना है आप जैसे ही रिमेनिंग कैश डालेंगे तो जो पहला वाला जो है वो ऑटोमेटिक ले लिया ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि अगले दिन का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे दिन का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। अच्छा, आज का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, यस सर, अकाउंटिंग आप लोगों को पता है ना अकाउंटिंग, ये देखिए ये ऑटोमेटिक ले लेगा अशर। जी सर, वो एटीएम में आपके कैश बचा रह गया, ठीक है, वो कैश अब यहाँ पे देखिए वो 1,45,000 रुपए वो ऑटोमेटिक उसने ले लिया ओपनिंग बैलेंस में। यस सर, अब जब आपको अगले दिन का जब डिस्पेंस फिगर आ रहा है तो वो इसमें ऐड करके, क्योंकि मान लो अगर आपके एटीएम में जो पहले से पैसे हैं और बाद में पैसे आप डाल रहे हैं, ठीक है जी सर, तो ये फिगर ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। अगर सर जो पैसे हम डालेंगे सर वही से नोट करके डालना है, ऑटोमेटिक पुराने पैसे ले लेगा वो। मैंने इस लेजर को शीट को इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें वो ऑटोमेटिक वो ओपनिंग बैलेंस अपने आ जाएगा शीट में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, अगर कोई भी एक्सेल फाइल जानता है तो वो कर सकता है आसानी से, लेकिन थोड़ा सा मैंने आप लोगों का काम आसान कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो ये जो है ये फ्री फंड उपाय है, ये जो उपाय है आप लोगों का इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये पैसे आप ये शीट आसानी से, अगर अब इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, अगर इसी को सिंप्लीफाई क्या किया है, अगर कोई आदमी इससे थोड़ा सा और इजी करके काम करना चाहता है तो इसका मैंने एक ऐप भी बना दिया है, ठीक है, इसका एक ऐप भी बना हुआ है अशर। जी सर, अब आप आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूं, इसका मैंने एक ऐप बनाया, लेकिन ये ऐप जो है वो मंथली बेसिस पे चार्जेबल है भाई, मैं नहीं ले रहा हूँ वो चार्ज कर, जो ऐप वाला है वो ले रहा है, ठीक है। जो ये है ये देखिए यहाँ पे ऐप शीट जो है ना, ऐप शीट का चार्जेस है यहाँ पे $10 प्रति हर महीने, ठीक है, $10 हाँ जी पर मंथ, अगर आप ऐप यूज करते हो तो, अगर आप ऐप यूज नहीं कर रहे हो शीट में डाल सकते हो तो फ्री फंड होगा, कोई टेंशन नहीं है आपको। अगर आप ऐप में यूज कर रहे हो तो आप आसानी, आप अगर शीट खोल के आप अपना टाइम अपना थोड़ा सा दो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं मेरे को वो गूगल शीट खोलना पड़ेगा ये करना पड़ेगा ये सबसे बचना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो उसका चार्ज है वो आपको देना होगा,
वो आई कैनॉट हेल्प है ना, वो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो एपशीट वाले ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा उसमें फायदा क्या है आप मेरे को अपना ये बताइए जरा। एनी टाइम बताइए अपना मेरे को अशर। यस सर बता रहा हूँ। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग गूगल शीट में जाके आराम से लोड कर लें, हर महीने डेली 15 मिनट एट फाइव देना है, 8534 एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा देखिए इसमें इसमें फायदा क्या है, इस ऐप में थोड़ा सा सुविधा क्या है कि आपको अपने मेल वेल खोल के बीच वाला बटन दबा दीजिए, मिनिमाइज कर इसको, अलाउ कीजिए इसको, अलाउ कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, यस सर, बैक कीजिए, बीच वाला बटन दबाइए, वो ऐप शीट खोलिए, ऐप शीट खोलिए, बहुत सारा जो स्क्रीन दिखा ऐप शीट खोलिए। अच्छा ये ऐप शीट में क्या करना है आपको, कोई मेल वेल खोलने की जरूरत नहीं है, गूगल शीट नहीं खोलना है, आप इसको खोलिए गूगल शीट खोलिए, ऐप शीट खोलिए। अशर सर कौन सा खोला सर? तो ऐप शीट खोली ना, खोलिए खोलिए सर, ऐप शीट खोलिए, टाइम लग रहा है, मैंने खोलिए सर यहाँ पर। अच्छा अभी ये देखिए, ये आपका आपको ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, केवल कर रहे हैं, आपने कैश डाल दिया, कैश डालिए कुछ भी डालिए, पहले कल वाला डाला था आपने, कल वाला हिसाब पूरा कंप्लीट किया था, कल वाला हिसाब कल क्या डाला था हमने, आपका ये है ना, ये कीजिए आप इसको बैक कीजिए, कैंसिल कीजिए इसको, कैंसिल कीजिए यहाँ से। अच्छा ये आपका यहाँ पे नहीं, ये सारे लोगों का एटीएम आईडी दिया हुआ है, ठीक है, आप अपना एटीएम आईडी खोल लेंगे, कौन सा एटीएम आईडी अपना खोलिए आप, असिस्टेंट में खोलिए ना अपना एटीएम आईडी 5783 है ना, यस सर खोलिए। हाँ आपने कल वाला हिसाब अपना नहीं मेंटेन किया था ना, नहीं किया था सर, इसको क्लिक कीजिए, जब भी किसी को एंट्री करनी है सबसे पहले अपना एटीएम आईडी यूज करेंगे, यहाँ पे अपना नंबर ऑफ नोट्स डाल देंगे, नोट डालिए, आज कितना लोड किया था आपने, नोट डालिए यहाँ सर, 100 रुपए कोई नोट ही डाला मैंने, जीरो डालिए, जीरो डालिए, जब कोई पैसा नहीं डालेंगे तो उसमें जीरो एंट्री करेंगे, ये कंपलसरी मार्क है, ठीक है, जीरो डालिएगा, नीचे आइए, नीचे आइए, हाँ सर आ गए सर, 200 का डालिए, 200 डाला है, 200 कहाँ से डाला है सर, डालिए उसमें एंट्री करिए सर, 200 का सर कल जो डाला वो सब लिखे सर, जो परसों का भी था जो मिला के डाला वो लिखे, अभी जब आप क्योंकि आपने कल का हिसाब नहीं मेंटेन किया है तो जो पहले वाले कैश बचे थे और आज जो डाला दोनों को मिला के लिखिए, अगर कल जो रात वाला कैश बच गया था ना, यस सर, परसों रात का कैश जो बच गया था और कल जो डाला दोनों को मिला के डाल दिया, नहीं नहीं कल जो डाला था नहीं, कल जो रात में बचा था और अभी जो आज जो डाल रहे हैं वो आज नहीं डाला, आज सर अभी नहीं डाला सर, अभी नहीं डाला सर, तो कल के पैसे इतने बचे थे ना आपके इसमें, कल के सर जो देखिए इधर सुन लीजिए ध्यान दीजिए, जब आप ये लोग जब आप लोग ये लेजर मेंटेन करने जा रहे हैं पहले दिन, तो आप जब पहले दिन लेजर मेंटेन करने जा रहे हैं, आज से सपोज अगर आप लोग लेजर मेंटेन करने जा रहे हैं तो जो कैश आपका बचा रहेगा और जो पैसा नया लोड करेंगे दोनों को मिला के लिख दीजिएगा सर, सर कल का नोट करें सर, परसों का मैं याद है सर, परसों कितना कैश था, नहीं देखिए अशर मैं जो बोल रहा हूँ उसका सुनो आप, कंफ्यूज फिर आप परसों मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एटीएम में कैश बचा हुआ है वो परसों का बचा उससे लेना देना नहीं है मुझको, जी सर मैं जो बोल रहा हूँ एटीएम में जो कैश बचा हुआ है वो परसों का है नरसों का है तरसों का उससे कोई लेना देना नहीं है, जो एटीएम में कैश है वो पैसा प्लस जो नया पैसा आप लोड कर रहे हो दोनों को जोड़ के आप इसमें एंटर करोगे, यस सर आ गया, क्लियर हो गया ये बात, यस सर हाँ, मतलब वो परसों का तरसों का उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो एटीएम में कैश बचा हुआ है, यस सर, वो 100 के कैसेट में लिखोगे, जो 200 के कैसेट में है वो 200 के कैसेट में, मतलब दोनों को जोड़ दोगे, पहले वाला पैसा और अभी जो लोड कर रहे हो दोनों को ऐड कर लोगे, ठीक है, यस सर, अभी मैंने लोड नहीं करा सर,
अभी सर मैंने पैसा लोड नहीं करा। अच्छा ठीक है, आपने जीरो डालो इसको। आप जब भी लोड करोगे तो ये 1924 और जो नया नोट डालोगे वो सबको एक साथ जोड़ लेना। यस सर, जीरो डालो, अभी जीरो डालो, इसको जीरो डालो। सर 500 नोट थे, सर 500 नोट थे सर, कितने थे डालो ना, जो जो बचे हुए डालो उसको। सर तो सर कर रहा हूं, सर मैं ध्यान नहीं दिए कितने बचे बार। नहीं तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ ना, ध्यान नहीं दिए वाला नहीं चलेगा। हाँ सर, सर आप सब ध्यान देंगे ना सर, आप सब ध्यान देंगे। आपको ईओडी करना है डेली, एंड ऑफ द डे में आपके आपके गल्ले में कितने पैसे है, मतलब एटीएम आपका गल्ला है। यस सर, सही सर, हमने सर अभी सर लोड इसलिए नहीं किया सर क्योंकि अभी 4.5 लाख रुपए थे सर एटीएम में। तो 4.5 लाख रुपए कहाँ नजर आ रहा है, ये तो 2 लाख रुपए है, बाकी और पैसे कितने? नहीं 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 सर जी, हम बता रहे हैं सर, कल का बता रहे हैं सर, कल रात के 4.5 लाख रुपए थे, 500 भी नोट थे ना सर, 200 नोट थे, 200। अच्छा ठीक है, आप उसको जो भी हो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जीरो डालिए, अभी जीरो मान लीजिए, जो भी है नीचे आइए। मैं आपको एक चीज, नीचे आइए, इसमें डालिए जो भी पैसे डालिए, जीरो। अच्छा आप जब इसको जैसे ही सेव करेंगे ना, आप आपने सेव किया यहाँ पे, ठीक है, अब ये आपने सेव किया, अब मुझे मेरे आपका हिसाब मिल गया, आपने वहां पे सेव किया, और अब मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने उसमें सेव किया और मेरे पास वो एंट्री आ गई आपकी। यस सर, सर अभी तो सर इतना अभी से गलत है सर, आपने ऐप से डाला 1924 जी, आपने 1924 ऐड किया यहाँ पे, ये मेरे पास फिगर आ गया। यस सर, ये आपके गूगल शीट में ये फिगर जो आप उस ऐप से लोड करोगे उसमें आते जाएगा, आपको इस पे एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटो में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यस सर, अभी तो सर इतना अभी तो सर कैश का पता ही नहीं है सर, तो कैंसिल हो सकते हुए। अच्छा मैं बता रहा हूँ उसको, उसका आगे का प्रोसेस भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब क्या किया, मान लीजिए आपने ये फिगर आपको लगता है कि गलत है। यस सर, तो यहाँ पे आपके पास एडिट आया। जी सर, तो अब मान लीजिए फिर से जब कैश लोड करने जाएंगे आप, तो ये तो मान लो ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, चूंकि ऑटोमेटिक है, नीचे आओ। अब आपको जो चेंजेस करने हैं यहाँ पे चेंजेस कर दो, ये एडिटेबल है ना। जी सर, जो नोट आपको लोड करना है डाल दो, चेंज कर देना। जब भी आप उसको दोबारा जब भरने जाओगे तो पहले वाला जो नोट बचा रहेगा एटीएम में, जब खोलोगे एटीएम, जब उसका हाँ जब वॉल्ट खोलोगे, तो जो एटीएम में जो 100 रुपए का नोट डाल रहा है तो 100 रुपए का लिख दोगे, जो जितने 200 का नोट है वो 200 का डाल दोगे, हिसाब मैच हो जाएगा। आज सर जरूर नहीं पड़ेगी सर, आज पैसा है सर, कल डालेंगे लोड, आज 4.5 लाख रुपए है, हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ आपका, ठीक है वो 4.5 लाख है, लेकिन एक बार देख तो लो उसमें क्या है, वो एंट्री तो आज का हिसाब मेंटेन कर लो। यस सर, आज से अपना लेजर तो मेंटेन कर लो। हाँ सर, कर लेंगे सर आज से। आप लोग अपना लेजर, आप लोग सब लोग समझ में आया आप लोगों को ये चीज? सर मशीन में कैश विड्रॉ में जाके चेक करके कहते डालते सर कैश। हाँ बिल्कुल, हाँ जो आपका एग्जैक्ट कैश पता चल रहा है, एग्जैक्ट कैश पता चल रहा है। हाँ अच्छा, अब देखिए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपने जो यहाँ पे ये एंट्री की लेजर में, ठीक है, yes, जो एंट्री आपने लेजर में की, उस एंट्री को आप अपने अपना एटीएम से मैच कर लीजिए। yes, सर, तो आपने यहाँ पे एंट्री की, उस एंट्री को आप अपना एटीएम से मैच कर लीजिए, और आप देखिए कि आपका, क्योंकि ये देखिए जो ये लेजर आप डाल रहे हैं, ये लेजर आप लोग बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है कि आपको अपना शॉर्ट कैश पता चल पाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ये जो ये आपने लोडिंग टाइम डाल दिया, रिमेनिंग कैश, ठीक है, अच्छा ये डिस्पेंस अमाउंट आ गया। अच्छा जो फिर अगले दिन आपके बैंक में ये उसका टाइमिंग डाल दिए, जो रिमेनिंग कैश कितना समय देख रहे हैं, आपके बैंक में सेटलमेंट कितना आया, आपके बैंक में सेटलमेंट कितना आया। अच्छा अगर सेटलमेंट आया तो शॉर्ट है कि क्या है, अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट का फिगर लिखो, अगर एक्सेस है तो एक्सेस का फिगर लिखिए। समझ में आया, आपका सेटलमेंट अमाउंट कितना आया और उसमें वो पैसा शॉर्ट है कि एक्सेस है, वो आपको उसी वक्त मेंटेन करना है। समझ में आ गए, ये पूरा लेजर आप जब आप आसानी से गूगल शीट में इसको मेंटेन कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए तो ऐप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई डाउट बताइए मुझे, कोई डाउट किसी को? तबर नहीं सर। हाँ नमस्कार, कहाँ हैं आपके बाकी मित्रगण, कहाँ हैं?
आपके बाकी मित्रगण कहाँ हैं? पास में ही है, अभी यहाँ पे तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया ये लेजर मेंटेन करना क्यों जरूरी है। आपको पूरी तरह से समझ में आ गया लेजर मेंटेन करना क्यों जरूरी है, बताइए। सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, सबको समझ में आ गया ना? इसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हेलो, मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, आप हाफलोंग से हैं? हाँ, हाफलोंग से ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है, हाफलोंग से ना? चलो ठीक है। आपका हो गया वो पेमेंट, आपने जमा कर दिया कंपनी के अकाउंट में? हाँ सर, शाम को दोपहर में रहेंगे सर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं हमेशा, ठीक है? मैं हमेशा इस तरह का मीटिंग करूंगा जिससे कि आपके प्रॉब्लम्स को अब मेरे को पहचान लो, आप मेरे को पहचान लो ना? हाँ हाँ, अच्छे से देख लिया सर। हाँ, मेरे को देख लो, अब ध्यान से देख लो, नहीं तो फिर क्या था कि अभी तक फोन से देख रहे थे मेरे को, मतलब फोन पे सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे। ठीक है, तो अब मुझे देख लो आप लोग, है ना, कि कभी मैं आपके घर पे आ गया तो आप मुझे पहचान लेंगे। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है ना, तो मुझे आप देख ले, ठीक है? आप किसके साथ काम कर रहे हैं उसको देख लीजिए, ठीक है? सर्वेश्वर जी, क्या हुआ आपका? आप बैंक में गए, क्या हुआ आपका बैंक का? सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, आवाज आ रही है मेरी? सर्वेश्वर जी, हाँ, क्या हुआ? आपने लोड किया, कैश लोड किया? हाँ सर, किया। आपका आपका अकाउंट चेंज हो गया है? हाँ सर, आपने हाँ, मैंने आपका बैंक अकाउंट चेंज करा दिया है, ठीक है? किसी भी और किसी को भी और अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, आप मुझे अपना चेक दे देंगे, मैं आपका बैंक अकाउंट चेंज करा दूंगा, ठीक है? लेकिन आज से आप अपने बैंक अकाउंट में किसी का कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। दिखाओ, अभी आप एटीएम में ही हो? अशर, कहाँ हो? यस सर, एटीएम में ही हो? एटीएम से सर, हाँ एटीएम में। चलो बढ़िया है यार, आपके मित्रगण बड़ा ये कर रहे हैं ओराई में, बिल्कुल और जोर डाल रहे हैं। क्या सर? आपके मित्र पूरा परेशान है खोलने के लिए, और सर कहते हम खोलेंगे सर वहाँ पर। सर आप फिक्र मत करिए सर, हमें सर 6 मिनट टाइम दीजिए सर, एक नहीं दो नहीं तीन खोलने हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तवर, और बताओ कहाँ है, अहमद कहाँ है? हेलो, हाँ बताइए। हाँ वही अकाउंट काम करेगा, वही अकाउंट काम करेगा। गजट जाके आप अपने बैंक में अपना अपना जो आपका ये है एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कॉपी और साथ में जो ये वाला है वो दोनों चीज आप जाके अपने बैंक में अटैच कर देंगे, बस एग्रीमेंट है ना? आपके एग्रीमेंट में आपका अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है आपके एग्रीमेंट में, तो वो एग्रीमेंट की कॉपी आप जाके अपने बैंक में जाके सबमिट कर देंगे, साथ में ये गजट, ये सर्कुलर, ये नोटिस, ठीक है? कौन सा सर्कुलर? कौन सा सर्कुलर जो आपने भेजा था? बस सारों के पास ये सर्कुलर है ना? जी जी, नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। अगर कोई बैंक का मैनेजर अगर मना करता है कि मुझे नहीं पता, तो आप उनको बोलिए कि भैया आप अपने सर्किल ऑफिस से बात कीजिए, आप अपने ये सरकार का सर्कुलर है मेरे घर का। कौन से ऑफिस से बात कर रहे हैं सर? कौन से ऑफिसर? सर्किल ऑफिस, सर्किल ऑफिस बोलते हैं उसको, सर्किल ऑफिस, सर्किल, हाँ सर्किल ऑफिस, उनका हरे का सर्किल ऑफिस होता है। क्या सर्वेश्वर जी, हाँ क्या बोल रहे हैं तबर, क्या बोल रहे हैं? आपका देखिए, इधर सुन लीजिए, आप केवल ये इसका ये डॉक्यूमेंट जाके अपने बैंक में सबमिट कर दीजिए, इसके बाद आपका कोई टीडीएस नहीं काट सकता है। सर वो ले नहीं रहे, क्या कह रहा हूँ, वो ले ही नहीं रहे सर, वो कह रहे करेगा इसका ये बताओ तो फिर क्या उपाय है? क्या क्या बोले? कह रहा हूँ मैं कल गया था ना लेने के लिए, हाँ तो वो कह रहे हैं कि इसका करना क्या है। नहीं तो आप उनको बोलिए कि सर मेरा काम है आपको सर्कुलर देना, ठीक है? अब बाकी आप अपने सर्किल ऑफिस से बात कीजिए।
तो इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा ऐसा है ना सर्वेश्वर जी, उनकी घर की कंपनी नहीं चल रही है। हाँ वो तो है, उनका घर का, उनका घर का रोजगार नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से काम करेंगे। ऐसे क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई बैंक्स को गवर्न कर रही है, ठीक है। आप केवल डॉक्यूमेंट उनको लिखित में दे दीजिए, उनको बोलिए सर लिख के दे दीजिए, या मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, उनसे लिखित में मांग लीजिए। अगर कोई बैंक मैनेजर, आप उस बैंक मैनेजर से मेरी बात कराइए जरा। बैंक मैनेजर इसको लेने से मना करता है, उस बैंक मैनेजर से मेरी बात कराइए जरा। वो अपने घर का बैंक थोड़ी चला रहा है। अगर जो बैंक मैनेजर आपको मना करता है कि मैं ये गजट लेने के लिए तैयार नहीं हूं, तो उस बैंक मैनेजर से मेरी बात कराइए जरा कि मेरे घर ये गजट, ये गवर्नमेंट का आदेश है। समझ रहे हैं आप लोग सर्वेश्वर जी? ये आपको पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, मतलब ये गजट, मतलब किसी रिस्पेक्टिव बैंक का सर्कुलर नहीं है कि कोई लेने से मना कर सकता है। ये जो है ना, और ये भी केवल WLA ATM के लिए है, किसी के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक है, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है WLA ATM, यहाँ पे व्हाइट लेबल ATM है ना, ये साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और किसके तहत 194N, अब तक कोई एक रुपया नहीं काट सकता। मैं चैलेंज क्या क्या कहता हूँ कैसे। अच्छा आप एक चीज बताइए, आपका जो ये 2% का TDA जो कट रहा था, तो उस वक्त किसी बैंक वालों को पता था ये बात? जब TDS 2% कटना था सर्वेश्वर जी, तो आपके बैंक वालों को पता था ये पैसा कि 2% का TDS कटना है? बताइए सर। मैं कह रहा था सर, बता कि इसमें कोई कंपनी, अगर कंपनी से कोई आए ऐसा कि भाई वो बैंक में दे दे अपन, कि उस पे कार्रवाई हो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उनके ऊपर से ही सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दिया जाएगा। आप केवल अपने डॉक्यूमेंट्स केवल दे दीजिए, वो ऊपर से उनके डॉक्यूमेंट चेंजेस कर दिया जाएगा। वो तो है सर, वो तो देखिए जैसे, नहीं नहीं इधर सुनिए, पहले जब 2% का TDS कट रहा था, तब भी बैंक वालों को कुछ नहीं पता था। जब 2% का TDS कटने वाली बात भी उन लोगों को, किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने कई बैंक मैनेजर से बात की, किसी भी बैंक मैनेजर को पता नहीं था। किसी भी बैंक मैनेजर को नहीं पता था कि 2% का TDS कटने के संदर्भ में कोई बात है। पर उसके सर्कुलर आया नहीं है ना अभी कोई इनके पास में। देखिए इन्होंने अपने सर्कल ऑफिस से बात की सर, वहां पर भी मेरे सामने बात करी थी। क्या बोला सर्कल ऑफिस ने, क्या बोला? ऐसा तो अभी तक तो ये है तो सही है, हमारे पास में कोई ऐसा सर्कुलर आया नहीं है। अच्छा ऐसा है ना, देखिए सर्वेश्वर जी आप एक चीज जान जाइए, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कह दिया है, तो जो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन है वो सॉफ्टवेयर में उनका एचओ कर लेगा। वो उनका एचओ को जो मॉडिफिकेशन करना है ना, वो उनका एचओ उस चीज को कर देगा। उनका काम केवल ये है कि ये आइडेंटिफाई करके अपने एचओ को बता दें कि ये अकाउंट WLA ATM ऑपरेटर का है। जैसे आपको ये डॉक्यूमेंट इस कारण लेना जरूरी है कि जब इनका सर्किल ऑफिस इनसे पूछेगा कि आपके पास कितने WLA ATM के ऑपरेटर के अकाउंट हैं, तो ये उनके पास अगर आपने सूचना उनको नहीं दी है, तो वो कहां से बता पाएंगे? तो सर इनको एक अभी आज एक एप्लीकेशन दो क्या? बिल्कुल, दरखास्त के साथ ये दे दीजिए। हाँ इसके साथ में एप्लीकेशन देता हूँ कि भाई मेरा ये खाता जो है इस मुद्दत के लिए खुला हुआ है। बस आपका काम है अपने बैंक को एक दरखास्त के माध्यम से, दरखास्त में ये सर्कुलर की कॉपी अपना एग्रीमेंट लगा के दे दें, जिससे कि उनको जानकारी मिल जाए कि ये WLA ATM का ऑपरेशन है। मैं इस जो पैसे निकालता हूँ, पैसे निकाल के मैं अपने ATM में लोड करता हूँ। अन्यथा क्या होगा कि जब उनका सर्किल ऑफिस उनसे पूछेगा आपके पास कोई WLA ATM अकाउंट है कि नहीं है, आप अपना ATM दिखाइएगा जरा, अपना ATM दिखाइएगा जी, अपना ATM दिखाइए, अपना ATM दिखाइए जरा। मेरे को बोल रहा है सर। हाँ हाँ आपको बोल रहा हूँ। हाँ सर दिखाइए जरा ATM दिखाइए। नमः नमः वासुदेवाय।
देखिए ये पहले यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम चल रहा था और यहाँ पे अभी हम लोग का हिटैची का एटीएम लग गया, अच्छी जगह पे इनका एटीएम है काफी। राजस्थान से है हमारे सर्वेश्वर जी, आप सर्वेश्वर जी आप आज ही दरखास्त दे दीजिए, आप ही नहीं सब लोग, सारे लोग एक एप्लीकेशन लिख के अपने बैंक में सबमिट कर देंगे। अच्छा सारे लोग तवर अशर जी सर, और आप लोग कहीं कोई दिक्कत है, मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ, मुझसे बात कराओ ना, क्या दिक्कत है? अगर कहीं किसी बैंक मैनेजर को दिक्कत नजर आ रही है, आप देखिए हम लोग कोई भी, चाहे हम है चाहे आप है, जब आप एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गाइडलाइंस के साथ बंधे हुए हैं। अभी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने गाइडलाइन इशू किया कि हम बाजार का कैश नहीं डाल सकते हैं, तो हम आज उसको डिस्कस कर रहे हैं ना, सरकारी आदेश को डिस्कस कर रहे हैं ना कि हम लोगों को नहीं करना है, तो सेम आदेश बैंक के पदाधिकारी को भी मानना है, उनकी स्वेच्छा से काम नहीं चलेगा, वो मानेंगे नहीं मानेंगे इससे मतलब नहीं है, वो सरकारी आदेश है, वो मानने के लिए बात, समझ में आया सर? जैसे हम सरकारी आदेश से मानने के लिए बाध्य हैं जब हम एटीएम चला रहे हैं आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत, वैसे वो लोग भी बाध्य हैं सरकारी आदेश मानने के लिए। हमारा काम केवल यह है कि हम उसकी सूचना बैंक को दे दें कि मैं जो बैंक अकाउंट ये कर रहा हूँ किस पर्पस के लिए मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा आप जब ये जानकारी अपने बैंक को नहीं देंगे तो बैंक कैसे, बैंक को कैसे पता चलेगा कि आप किस पर्पस के लिए बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं? वो तो सही सर, मैंने एक सर आपका व्हाट्सएप पे एक भेजा था ना, कोई बीसी जो है उसने भेजा था बैंक को एक एप्लीकेशन, अब उसका कोई जरूरत नहीं, वो गलत किया है ना, उसने क्या किया है अपने बीसी कोड के साथ एटीएम कोड भी जोड़ लिया, वक्रांती वाला लेटर आप जो बोल रहे हैं ना, गलत है वो, गलत है, आपने उसको पढ़ाया पूरा वो नोटिस पढ़ाया है, गलत तरीका है, उसने बीसी के लिए लिखा है सर उसमें केवल, नहीं उसने क्या किया है, नहीं नहीं उसने क्या किया है, बीसीए कोड से ही अटैच कर दिया डब्ल्यूएलए का अकाउंट, वो दोनों एक ही में, तो गलत है वो तरीका, गलत है, आप बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट थोड़ी हैं। एक एप्लीकेशन देता हूँ सर आज भी, है ना? सारे लोग जहीरुल अशर यस सर, सारे लोग अपने बैंक में एप्लीकेशन दे दीजिए। हाँ दे दिया सर जी, दे दिया। हाँ तो वो बोला कि लेकर क्या करेंगे, क्या बोला बैंक मैनेजर? बोल रहे हैं कि ये लेकर क्या करेंगे हम, आपने एप्लीकेशन, आप बोलिए कि सर आप ये केवल जानकारी के लिए रख लीजिए अपने पास। हेलो, हाँ वही बोला सर जी, वही बोला। हाँ सर जी, हाँ हेलो, हाँ बताइए, हाँ बताइए 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 सर, पंकज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पंकज जी। सर नमस्कार। नमस्कार 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 सर, ये छत्तीसगढ़ में ये काम तो स्टार्ट के लिए इंडियन साइड दीजिए ना सर, साइड कहाँ पर चाहिए? अच्छा ठीक है पंकज जी, मैं उस विषय में बात करता हूँ अभी, अभी पहले ये यहाँ पे डब्ल्यूएलए वाला हो जाए फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तुरंत ही, है ना? जी 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 सर, डिस्कस करते हैं उस चीज पे, ठीक है? तो ये पूरा चैप्टर आप लोग, ये लेजर आप लोगों को आज से मेंटेन करना है सारे लोगों को, जरोल असर यस सर, तवर, तवर आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ आप लोग अपना सारा, आप लोगों को मैं फिर से दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग किसी भी तरीके से इस चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हम लोग मेंटेन करें नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? आपको मेंटेन करना अनिवार्य है एक तरह से, ठीक है ना, इसको आप मेंटेन करें अपना, ठीक है? ये आप लोग ये शीट नहीं है वो आप मुझे व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे लिख दीजिएगा, मैं ये शीट शेयर कर दूंगा, आपको डेली बेसिस में ये शीट की एंट्री करनी है, ठीक है? तो जिसको भी ये शीट चाहिए वो मुझे अपना एटीएम आईडी के साथ नाम लोकेशन लिख के मेरे को भेज देंगे, मैं उस शीट को उसके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? आपका नाम एटीएम आईडी के साथ आप मेरे को दे देंगे, मैं आपको ये शीट शेयर कर दूंगा। इस लेजर में डेली आपने जितना कैश लोड किया, 100 का, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ठीक है? आपको केवल, आपको जो जब लोडिंग कर रहे हैं तो नंबर ऑफ नोट्स केवल चढ़ाने हैं, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी वो सारा शीट खुद कर लेगा। और जब रात में बैंक, जब रात में एटीएम बंद कर रहे हैं, बचे हैं 100 के, 200 के,
500 के और 2000 के, ठीक है? बस केवल आप ये 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 दो चार डॉक्यूमेंट आपको दिन भर में एंटर करने हैं, और बाकी वो ये लेजर खुद अपने आप उसका ओपनिंग बैलेंस ले लेगा, डिस्पेंस अमाउंट ले लेगा, और फिर रात में जब अगले दिन जब आपके बैंक में जो सेटलमेंट आएगा वो सेटलमेंट का अमाउंट आपको मैं कर देना है। जो पैसे एक्सेस हैं या शॉर्ट हैं वो एंट्री कर देंगे आप। एक डेली बेसिस में आपको एंट्री करना जरूरी है। आप मुझे फिर बाद में बोलेंगे सर मेरे पैसे कम आए हैं, तो मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात। बिना लेजर के मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा मेरे पैसे कम आए हैं। और ये कंपलसरी हो गया आप, क्योंकि ये लेजर आपको हर महीने हिटैची को देना है, तो मुझे ये बिल्कुल आप लोग और अपने कॉपी किताब में रजिस्टर में मुनीम जी का खाता मेंटेन मत कीजिएगा। ये आप एक्सेल फाइल में जो मैंने दिया है एक्सेल शीट इसी में मेंटेन करेंगे। ये एक्सेल शीट में मेंटेन करना है। कोई भी ये मत बोलिएगा कि सर मैं तो अपना मेंटेन कर ही रहा हूँ, नहीं चलेगा। मुझे ये लेजर अब हर महीने हिटैची को भेजना रहेगा। आपको अपना हर महीने बैंक स्टेटमेंट और ये लेजर भेजना होगा हम लोगों को। हम सुनेंगे अशर, यस सर, जहरुल, ये लेजर अब मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको हर महीने मुझे ये अपना लेजर शेयर, लेजर तो आप मेरे पास रहेगा ही, ठीक है? आपको ये लेजर रहेगा, मुझे कंपनी को भेजना रहेगा, और आपको साथ में अपना बैंक स्टेटमेंट भी भेजना होगा वेरिफिकेशन के लिए। हमारा बात भी सुनिए, जो बोल रहे हैं जो सुबह जो पैसा डाला था ना, रात का जो बच गया था ना, सुबह विड्रॉ करने के लिए दिक्कत हो रहा था, जो 500 का नोट 18 था, 200 का नोट 100 था, वो विड्रॉ नहीं हो रहा। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपका पूछो साले लिया तो दिक्कत हो रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। आप जब लोड करते हो ना, कैश लोड करते हो, तो रुक जाओ एक मिनट। आपको जब पता है कि मेरे कौन से ट्रेन में कौन सा कितना कैश है, ठीक है, तो आप जब नेक्स्ट डे जब लोड कर रहे हो, ठीक कैश भी डालूंगा ना मैं, तो उसके लिए भी पैसा मिलेगा मुझे। एटीएम में जो कैश डालते हैं 60 लाख 40 लाख, थोड़ा काम मेरे से बोलिए, सिखा रहा हूँ जी सर। सर उनका मैंने बैंक अकाउंट चेंज करने हो रही है, बैंक अकाउंट नहीं चेंज हुआ जिसके कारण उनको कैश लाने में दिक्कत हो रही है। हाँ उसी के कारण ना उनका, हाँ तो उनका जो एक लोकल जो उनके प्रीमिसेस में ही एक मैंने बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए दिया था, अभी आज फिर से वो मेल रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टीडीएस वाला तो मुझे पता चल गया है कि टीडीएस वाला वो हम वो कर लेंगे, लेकिन केवल बैंक अकाउंट चेंज करना है। मैं मेल को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो जो हाँ बैंक अकाउंट चेंज करना था वो नहीं हुआ, इसके कारण थोड़ा सा कैश में दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैं अभी बात कर लेता हूँ उनसे और मैं अभी फिर से मेल रिपीट कर देता हूँ, वो आज कैश लोड हो जाएगा। हाँ अभी हो जाएगा। देखो जहरुल, आपका जो रात का जो पैसा था वो ऑटोमेटिक ले लिया इसने, आपका 100 का नोट 745 है, सही है, 200 का नोट एक बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आप जब बैंक जब आप लोड करोगे तो इसमें 200 का नोट आप उसमें लोड कर दो एक्स्ट्रा, आप इसमें 20-30-50 नोट बैंक के साथ हां बैंक में 200 का नोट नहीं मिला है ना, बैंक 200 का नोट नहीं दे रही है आपको, वो आप इस इधर सुन लीजिए, सारे लोग ध्यान से सुनिए। जिस ट्रे में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 500 का भी नोट कम है, 500 का नोट मिला आपको? हाँ आज 500 का नोट मिला है सुबह। हाँ तो आप 500 का जो इधर सुन लो, 500 का नोट जो है वो अपना लोड कर लोगे, ऐड कर लोगे, और ये वाला ट्रे को थोड़ा बाहर निकाल लोगे, ये ट्रे को आप ये लगा नहीं रहने देना है, ध्यान दीजिए। ऐसे जो फंसते हैं आप लोगों के, अगर कोई किसी ट्रे में कम कैश है और वो ट्रे लगा हुआ है, तवर सुन रहे हैं, तवर सर्वेश्वर जी, आपको हाँ आफाक नमस्कार, हाँ आफाक
हाँ बोलिए मैडम, कॉल के लिए मीटिंग चालू हो गया। आपको करना क्या है, वो जो ट्रे में नोट कम रहे आपको जब ये लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि कौन से नोट पे कितना बचा हुआ है, तो उस ट्रे को आप थोड़ा सा बाहर कर लेंगे, पुश कर लेंगे, ट्रेनिंग चालू, उस ट्रे को थोड़ा सा बाहर पुश कर लेंगे, ठीक है, वो हल्का सा बाहर निकाल देंगे। जब आप कैश लोड कर रहे हैं ना या नहीं भी कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि मेरा 200 का नोट ट्रे में कम है, तो उस ट्रे को थोड़ा बाहर कर लीजिए, नहीं तो इस तरीके से छोड़ने में आपके पैसे फंसेंगे, कस्टमर के पैसे फंसेंगे। हाँ तो वही तो बोल रहे थे, सुबह जो कल का जो बचा हुआ था आज प्रिंट करने के लिए तो दिक्कत हो रहा है। आप 500 का नोट केवल लोड करो दीदी, गाड़ी का भी रखो कूलर के ऊपर, 500 का केवल लोड करो, 200 का ट्रे बाहर निकालो। मैं जरा हाँ, आप लोग अपना अपना नाम लिख देंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे पता चल जाएगा थोड़ा ठीक है ना, जैसे श्रीनिवास जी पता चल रहा है आपका, तो चलिए लिखा हुआ है पंकज पता चल रहा है ना। अरविंद हेलो, हाँ प्रणाम प्रणाम, एक मिनट रुक, थोड़ा सा रुकिए, समय लगेगा, मैं बात करता हूँ, जाइए मैं मीटिंग में बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं अब थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंट अपना सेशन चालू करूँ, ठीक है ना। देखिए जब आप सीए सब लोग आप लोग ध्यान से ध्यान दें, बेसिकली जब आप लोग एटीएम मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, कोई भी डब्ल्यूएल एटीएम आप लोग रन करते हैं, ठीक है, तो उसमें पेरेंट कंपनी हो गई अपना, हम लोग ऑल बैंक का विड्रॉवल्स अपना हमारे यहाँ से लोग आगे कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली कोई भी एटीएम्स में ऐसा होता है, अच्छा जब मान लीजिए किसी बैंक का एटीएम होता है तो वहां पे कस्टमर जब जाते हैं पैसे निकालने के लिए और उनके अगर पैसे फंसते हैं, उसका जो कस्टोडियन जो होता है वो बैंक होता है, ठीक है, तो अगर उस बैंक में उसमें उसने जो पैसे लोड किए उस बैंक ने, ठीक है, तो वो बैंक वाला ही उसका मान लीजिए वो जो पैसा अगर फंसा भी हुआ, अगर मान लीजिए अगर कोई पैसा रिजेक्टेड बिन में चला गया तो बैंक वाले उस पैसे को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ डब्ल्यूएल एटीएम क्या होता है कि आप समझ में आया, जब डब्ल्यूएल एटीएम में क्या है कि कोई भी जो हमारे डब्ल्यूएल पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिनको आरबीआई ने ऑथराइज किया है ये एटीएम लगाने के लिए, ठीक है, तो अब उस कंडीशन में आप उसके कस्टोडियन हैं, जो पैसे आप लोड कर रहे हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कस्टोडियन किया, ठीक है, और उस दौरान जब कार्ड कंपनी कस्टमर ने इंसर्ट किया उस दौरान हो सकता है आपका लिंक फेल कर जाए या पैसे काउंट कर दिया उसने, ठीक है, पैसे काउंट करके वो डिस्पेंस करने के लिए जा रहा है तभी आपका लिंक फेल कर गया या पावर कट हो गया या कुछ भी हो गया, किसी तरह की कोई परेशानी आ गई, ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, लेकिन वो मतलब एक तरह से सक्सेसफुल है, ठीक है, क्योंकि वो लगभग उसने पैसे काउंट कर लिए हैं लेकिन डिस्पेंस नहीं किया केवल, तो वो पैसे आप ही के इसी में रह जाता है, रिजेक्टेड बिन में चले जाता है, ठीक है, और उसका सेटलमेंट भी आपको मिल जाता है। समझ में आया श्रीनिवास, मतलब वो ट्रांजेक्शन फेल नहीं हुआ, एनपीसीआई के नजर में वो ट्रांजेक्शन फेल नहीं हुआ, वो पैसा डिस्पेंस नहीं हो पाया, केवल ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, वो आके उसके जो ये है उसके ओपनिंग में आके रह गया, ठीक है, पैसा ओपनिंग में आके रह गया तो वो ट्रांजेक्शन फेल नहीं होता है ना। हाँ भैया, एक मिनट, मीटिंग में ज्वाइन कीजिए ना, मीटिंग में है, मीटिंग में समझिए। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास पैसे आपके रिजेक्टेड बिन में ही है, आप ही के पास है और उसका सेटलमेंट आपको, अब वो कस्टमर क्या है वो जाके बैंक में कंप्लेन करेगा, ठीक है, वो कस्टमर जाके बैंक में कंप्लेन करेगा, ठीक है, आप डाल दूंगा। उस दिन का जब आप लेजर मेंटेन करते हैं आपका जो लेजर है वो एक्सेस कैश शो करता है। अक्सर परिस्थिति में होता क्या है, आप लोग मैं बोल रहा हूँ कंटेस्ट समझ पा रहे हैं नहीं है श्रीनिवास जी,
मुझे सुनाई दे रही। आप समझ पा रहे हैं ना मैं जो बता रहा हूँ अनिल जी? ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था 5,000 का था। हाँ फिर कैसे पता चला आपको? 5,000 अब देखिए आप लोग अब जब लेजर मेंटेन नहीं करेंगे ठीक है तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि आपका एक्सेस अमाउंट कब हुआ? क्योंकि जो पैसा आपके पास रिजेक्टेड बिल में चला गया और आपका एक्सेस कैश हुआ वो हमको कैसे जानकारी होगी? नहीं हमको तो नहीं पता चलेगा। आप जो अपना लेजर मेंटेन कर रहे हैं अपने रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं आप मुझे आप कंपनी को तब इन्फॉर्म करते हैं जब आपके पैसे कम आते हैं। आप उस वक्त नहीं इन्फॉर्म करते हैं जब आपका एक्सेस पैसा होता है क्योंकि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी आदमी जब पैसे एक्सेस होते हैं तो नहीं पता चल पाता है उसको नोटिस नहीं करता है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं बताता है वो नोटिस नहीं कर पाता है उस चीज को ठीक है। तो अक्सर परिस्थिति में होता क्या है कि जो पैसे कम आए वो तो आपने इन्फॉर्म नहीं किया जब पैसे ज्यादा आए तो आपने इन्फॉर्म नहीं किया और जब कम आते हैं तो फिर आप परेशान हो जाते हैं ठीक है। तो इसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं जब हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग करें। अकाउंटिंग हम लोग सॉफ्ट कॉपी लेजर में करें ना कि अपने रजिस्टर में करें। हमारा नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार सर। तो हम लोग देखिए अभी जैसे सुभाष जी आप जैसे कोई भी जो बैंक CSP चलाते हैं तो आप लोग को अपना एंड ऑफ द डे में हिसाब मिलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। आपको अपना कैश जैसे EOD करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? आशा करना पड़ता है सब लोगों को EOD करना पड़ता है जी। उसी तरह से आपको ATM में भी करना है ठीक है। पहले तो मान लीजिए चलिए किसी तरह से आप लोग करते थे नहीं करते थे काम चल जाता था लेकिन अब ये बहुत कंपलसरी हो गया। जो सर्कुलर आया आप लोगों ने गजट पढ़ा है? सब लोगों ने गजट पढ़ा है? मैं एक बार फिर से उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को ठीक है। मैं उस गजट को फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। हाँ और सर मैं ये बोल रहा था हाँ बोलते जाइए बोलते जाइए। बात आप दूध उठाइएगा मेरी वहां पे जाते हैं तो पैसे वाली भी बात कर लीजिए कि जब मेरे पास नहीं है तो आप लोग बढ़ा करके देंगे उसके लिए लंबी चीज जैसा भी होगा एक बार बात की। जी जी अच्छा हम लोग इसमें काफी नए लोग भी हमको नजर आ रहे हैं और बाकी तो हैं हम लोग के ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ये भी दे दूं हम लोग ये करते हैं छूटा बस ना एक ही छूटा बस क्या बोल रही लगा नीचे आए ना लगाया सर मेरा एक्सिस बैंक के अकाउंट में पैसा आया है आज में हो गया ना
जी मैंने चेंज करा दिया, जिसको जिसको अपना अकाउंट चेंज कराना है आप लोग चेंज करा लीजिए, क्योंकि मैं सबका मेल डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और अब जो अकाउंट आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी दूसरा काम, कोई भी दूसरा बैंक का कहीं पे भी, देखिए एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा कई लोग कल क्लैरिफिकेशन कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा बस 5 मिनट रुक जाइए।